हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अरवी की सब्ज़ी, और इसको घुया भी कहते हैं। और यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। और इस तरीके से कुरकुरी मसालेदार अरवी की सब्ज़ी बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद आती है। और इसको पूड़ी, पराठा, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, 1 किलो हमने अरवी लिया है और अरबी को हमने धुल के रखा है, इसको बॉईल करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे लिया है। और अब हम इसको कुकर में डाल के और 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और हमें ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, बस इतना कि अच्छे से छिलका उतर जाए। अरबी को हमने बॉईल करके और उसके बाद ठंडा करके हमने इसको छील लिया है। और तड़के में हमने प्याज और हरी मिर्च इस तरह से चॉक करके रखा है। तो चलिए अब तड़का लगाना शुरू करते हैं। और यह हमने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के रखा है और ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन चटक रहा है तो हम इसमें डालेंगे कटे हुआ प्याज और हरी मिर्च। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे चलाते हुए भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, भून लेंगे। और अब इसमें हम अरबी डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको बहुत ही आराम से चलाना होता है, ये कट जाते हैं और फूट जाते हैं चलाते हुए, तो इनको बहुत ही आराम आराम से चलाना पड़ता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको चला दिया है तो अब इसको हम एक एक करके इस तरह से कढ़ाई में फैला देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और ये देखिए, अरबी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे नीचे, तो हमने इनको पलट दिया है और बीच में हमने इनको 2 बार चलाते हुए फ्राई किया है। और इनको बहुत ही आराम से चलाना पड़ता है वरना ये फूट जाते हैं। और इनको हम थोड़ी देर और इसी तरह से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ये अच्छे से पूरी तरह से फ्राई हो जाए गोल्डन कलर। तो ये देखिए, अरबी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी डाला है और डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे क्योंकि जो हमने मसाला डाला है वो भी अच्छे से पक जाए, और जो 1-2 बच गए हैं नहीं फ्राई हुए हैं वो भी हम पलट देंगे तो उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो 1-2 नहीं फ्राई हुए हैं उनको हम इस तरह से साइड में करके और उसको हम अच्छे से पलट के फ्राई कर लेंगे। और अरबी जब कुरकुरी हो जाएगी तभी सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और मुझे तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो इसी तरह से हम इसको पलट के और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से जब अरबी की सब्ज़ी बनेगी तो सबको बहुत पसंद आएगी, सब लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे और बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और ये देखिए, सब्ज़ी हमारी अच्छे से बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और चटपटी कुरकुरी सी अरबी की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी लगती है अरबी की सब्ज़ी। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये लीजिए, गर्मा गर्म कुरकुरी और सुपर टेस्टी अरबी की सब्ज़ी बन के तैयार है। और है ना एकदम सिंपल सा तरीका कुरकुरी और टेस्टी अरबी की सब्ज़ी बनाने का, और वो भी बिना गरम मसाले के। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ा आएगा खा के। तो इसी तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।